Scheme for Enhancing Productivity and Competitiveness of Khadi Industry and Artisans. मैं बच्चों को पढ़ाई का पैसा मिला है, पैसा मिला था, बोनस मिला था। संस्था से दो लोग जुड़े हैं, माँ और बेटी। मेरे बच्चों को पढ़ाई के लिए सारे लाभ मिले हैं, पैसे महीने में मिलते हैं। चरखा चला के बच्चे पाल लेंगे। खादी ग्रामोद्योग आयोग का गठन सन 1957 में हुआ। गठन होने के उपरांत संस्था को जिस ढंग से हिंदुस्तान में संपूर्ण भारतवर्ष में सारी संस्थाओं को प्रमाण पत्र मिला, उसी ढंग से हमारी संस्था गणेश सेवा आश्रम को भी खादी ग्रामोद्योग आयोग से प्रमाण पत्र मिला। खादी ग्रामोद्योग आयोग के दिशा निर्देश, नियम, कानून, कायदे के अनुसार संस्था चली। खादी एक विचारधारा। महात्मा गांधी के स्वावलंबन, स्वदेशी, सामाजिक एवं आर्थिक विषमताओं के खिलाफ कई अभियानों का सूत्रपात है खादी। सन 1925 में महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को संगठित करने और मजदूरों को रोजगार देकर समता मूलक समाज की स्थापना करना था। इसी के साथ देश भर में सामाजिक कार्यकर्ताओं का आह्वान कर सामाजिक संस्थाएं गठित हुई, जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी के संपर्क में कानपुर नगर में क्रांतिकारियों का आना जाना प्रारंभ हुआ। 1916 में गांधी जी से उनकी भेंट कानपुर में हुई। विधिवत कार्यक्रम तैयार हुआ और उससे एक ऐसा माहौल बना जिससे सारे देश में आवाज उठी। स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी लोग भी प्रवेश कर गए। यहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद आदि का केंद्र बना। उसका नेतृत्व भी विद्यार्थी जी के द्वारा हुआ। महात्मा गांधी के स्वावलंबन और स्वदेशी विचारधारा से प्रभावित श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने अपने कार्य क्षेत्र में नरवल को उपयुक्त माना, जहां पर 20 फरवरी सन 1929 को सेवा आश्रम की स्थापना हुई। आश्रम की स्थापना होने के उपरांत सैकड़ों कार्यकर्ता सत्याग्रहों में जेल गए। यही वजह थी कि उस समय नरवल प्रदेश में सम्मानित केंद्र माना जाने लगा। अंग्रेजों के कुचक्र से 25 मार्च सन 1931 को तत्कालीन शासन द्वारा सांप्रदायिक उपद्रव कराने के कारण विद्यार्थी जी को सांप्रदायिक एकता की बलिवेदी पर अपनी आहुति देनी पड़ी। उनकी स्मृति को बनाए रखने के लिए सेवा आश्रम के आगे उनका नाम जोड़ दिया गया, जो वर्तमान में गणेश सेवा आश्रम है। उनके मरणोपरांत उनके सहयोगी संस्था के प्रथम मंत्री झंडागान के रचयिता पद्मश्री श्यामलाल गुप्त पार्षद जी और उनके सहयोगी गण आश्रम का कार्य विधिवत संचालित करते रहे। भारत आजाद हुआ। अखिल भारतीय चरखा संघ के स्थान पर सन 1957 में सरकार ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग का गठन किया। देश की सभी संस्थाओं ने खादी और ग्रामोद्योग आयोग से खादी कार्य संचालन करने हेतु
प्रमाण पत्र प्राप्त किए। गणेश सेवा आश्रम खादी और ग्राम उद्योग आयोग से जुड़ा और प्रमाणित हुआ। आश्रम में आयोग के दिशा निर्देश में आयोग की प्रवृत्तियों का संचालन हुआ। साथ ही साथ भारत सरकार की योजना के अंतर्गत ग्राम प्रधानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित होता रहा। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से लगभग 20 किलोमीटर दूरी पर बसे नरवल गांव में गणेश सेवा आश्रम लगभग 12 बीघे में फैला है। इसका इतिहास जितना पुराना है उतना ही गौरवशाली भी है। 1960 में संस्था को खादी ग्रामोद्योग आयोग से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। वित्तीय सहायता में संस्था को खादी का ग्राम उद्योग में गुड़खांडसारी, साबुन उद्योग, टैनरी, हैंडमेड पेपर का काम मिला। सरसोल केंद्र में आश्रम का गुड़खांडसारी, टैनरी और हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री बहुत सुंदर चली। कमियां आईं जिसके कारण गुड़खांडसारी उद्योग बंद हो गया। ग्रामोद्योगी इंडस्ट्री बंद होने के बाद संस्था घाटे पर आई और लगातार घाटा चलता रहा। संस्था को उस समय के करीब 10 लाख का घाटा हुआ। संस्था बंद होने के कगार पर आ गई। संस्था के ऊपर 19B की कार्रवाई हो गई, ऋण वसूली की नोटिस इशू हो गया। उस समय प्रबंध समिति में कुछ बदलाव आया। श्री अमरनाथ जी जो वर्तमान में मंत्री हैं, ये मंत्री नियुक्त हुए। खादी ग्राम उद्योग आयोग ने यहाँ पर प्रशासक बैठाया बालेश्वर राय जी को। मंत्री जी के अथक परिश्रम, कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम, दोनों के समन्वय, दोनों के सहयोग से संस्था फिर धीरे धीरे चली। बेजेज एंड मीन्स में संस्था को खादी ग्राम उद्योग आयोग से 1 लाख रुपए मिला। 1 लाख रुपए के उस वर्किंग फंड से संस्था ने फिर काम का प्रारंभ किया। इस सेवा संस्थान का मुख्य उद्देश्य लोगों को रोजगार देकर खासकर महिलाओं को स्वावलंबी बनाना था। सन 1929 से लेकर आज की तारीख तक नरवल और आसपास के गांव की वंचित महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते रहे हैं। आइए मिलते हैं यहां से लाभान्वित महिलाओं से और जानते हैं कि यह संस्था उनके हित में कितना अग्रसर है। भाई यही से चल, मतलब यही आश्रम से काम कर रहे ना, चरखा चला के बच्चे पाल रहे। कितने बच्चे आपके? 5 बच्चे, 4 लड़की 1 लड़का। आपके पति क्या करते हैं? 6-7-8 महीने से भाई जी गए हैं। भाई जी हमारे बच्चों को पढ़ाई का पैसा मिला है और हमारी काम मतलब जो कटाई है उसका मिलता है। कॉलोनी मिली है। कॉलोनी में कितने पैसे मिले? 25,000 वाली भाई जी हमें कॉलोनी मिली है। अच्छा, इसके अलावा और कुछ आर्थिक? इसके अलावा मतलब हमारे कटाई का पैसा मिलता है और जो बोनस आती है यानी MDA का पैसा वो, और जैसे पहले इनाम वगैरह मिलता था ये, और इनाम भी मिलता है। समय समय मतलब जैसे काम करते उसके हिसाब से। और पढ़ाई का पैसा बच्चों के मिलता है। यहाँ काम करके आपको मतलब संतुष्टि है कि मतलब बहुत अच्छा? नहीं है? भाई जी अच्छा, हम अपने बच्चों को पढ़ाते भी हैं, इसी से मेरी रोजी चलती है। हमसे पैसा मिला था, बोनस मिला था और लड़कन को बोनस मतलब वजीफा मिला है। महीना तो अब हमारे बच्चे पढ़ते नहीं है, BA पास ही। मतलब जब पढ़ते थे तो मिलता था तब वजीफा मिला रहा, एक बार मिला 900 रुपया। बहुत साल हो गए, 5-6 साल हो ज्यादा हो गए। नेहा को 5 वर्ष का बच्चा है और उसका पति फरचंद अली पिछले कई महीनों से लापता है। जहां नेहा को कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा, वहीं वो इस संस्था में कार्य करके प्रतिमाह 2,500 से 3,000 रुपए कमा लेती है और अपना और अपने बच्चों का पेट पाल रही है। रीता, जनक दुलारी, कमलेश, कुसुम, तमाम कई ऐसे नाम हैं जो इस संस्था से विगत 30 वर्षों से जुड़े हैं। आशा सिंह और विंदेश्वरी देवी ने इस संस्था में काम करके अपने बच्चों को पढ़ाया और आज उनके बच्चे भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं। इस संस्था द्वारा
जरूरतमंद महिलाओं के लिए विभिन्न सहायता योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें लगभग 5000 रुपए तक की सहायता राशि मुहैया कराई जाती है। इसके अतिरिक्त खादी ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा इन महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जाती रही हैं, जैसे कामगार भवन योजना, जिसके अंतर्गत इस संस्था में कार्यरत महिलाओं के लिए भवन निर्माण कराया जाता है। इसके अंतर्गत आयोग कुल भवन निर्माण की राशि का 75% महिलाओं को अनुदान देती है। इस योजना के तहत 2009-2010 में 26 कामगार महिलाओं को और 2011-2012 में 22 कामगार महिलाओं को आवास दिया जा चुका है। 26 कॉलोनियां हमें मिली थी 25,000 वाली, जो कि हमने पूरी नरबल में बनवाई। फिर 45,000 में हमें 22 कॉलोनियां मिली है नरबल के लिए, जो कि कंप्लीट हो चुकी हैं। सन 2011-12 में 45,000 में हमें कुल 53 कॉलोनियां मिली हैं, जिनमें 22 हमारी नरबल में हैं, 11 हमारी कुरारा में हैं और 20 हमारी मल्लावा में हैं, हरदोई डिस्ट्रिक्ट में। आज हमारी संस्था साच हरदोई, कानपुर, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर 5 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। योजना के अंतर्गत जनश्री बीमा योजना के द्वारा महिलाओं का बीमा कराया जाता है, जिसमें उनकी आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके घर वालों को 70,000 रुपए की सहायता और दुर्घटना होने पर 45,000 रुपए की सहायता धनराशि दी जाती है। शिक्षा के लिए प्रति माह 100 रुपए की धनराशि कार्यरत महिलाओं के बच्चों को दी जाती है। सरकार चलाती रही, हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया। एक बच्चे ने हमारी फोर्स में नौकरी लगी, लड़की हमारी बीटीसी की ट्रेनिंग कर रही है और हमारा परिवार इसी से चल रहा है। खादी उत्पादकता विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2010 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अनुदान के रूप में 34,45,000 स्वीकृत किए गए, जिसके तहत चरखा करघा नवीनीकरण सर्विस सेंटर, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट डिजाइनर इंटरवेंशन एंड पैकेजिंग, मार्केट प्रमोशन, असिस्टेंट कैपेसिटी बिल्डिंग, मेजर टेक्नो मैनेजेरियल सपोर्ट और रिपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन स्टडीज आदि योजनाएं क्रियान्वित की गई। राज्य कार्यालय लखनऊ के आर्थिक एवं तकनीकी मार्गदर्शन में 125 अदद नए मॉडल के 8 तमुआ NMC खरीद कर पुराने चरखों की जगह कतनों को उपलब्ध कराया गया। पुराने 6 तकले के चरखों की जगह नए चरखों से उत्पादन की मात्रा में वृद्धि हुई, साथ ही सूत की गुणवत्ता भी बेहतर हुई। बुनकरों को डिजाइनदार तथा विभिन्न रंगों के प्रयोग से कपड़ों की बुनाई का प्रशिक्षण देते हुए गुणवत्ता युक्त खादी उत्पादन का सफल प्रयास किया गया, जो वर्तमान में भी जारी है। कपड़ों की फिनिशिंग हेतु कैलेंडरिंग मशीन की स्थापना की गई। आश्रम में मात्र वैट रंगों का प्रयोग किया जाता है। डिजाइनर की सहायता से हर आयु वर्ग के लिए रेडीमेड वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत ही किदवई नगर कानपुर में 1600 वर्ग फुट के खादी प्लाजा का उच्चीकरण कराया गया, जिसका उद्घाटन आज दिनांक 26 मार्च 2013 को संपन्न हुआ है। इस प्रकार उत्पादकता विकास कार्यक्रम के संचालन से वर्ष 2009-2010 की तुलना में वृद्धि, उत्पादन में 106%, बिक्री में 39%, रोजगार में
31.58% तथा पारिश्रमिक में 233.27%। हेरिटेज के रूप में, खादी के आकर्षण के रूप में, हमें उसके पुनरुद्धार के रूप में, उसके पुनर्सृजन के रूप में उसके उपयोग की संभावनाओं को तलाशना है और उसके लिए ऐसे लोगों को आकर्षित करना है जिसका प्रबंधन, जिसका कौशल इस्तेमाल करके इन संस्थाओं के माध्यम से युवा शक्ति को रोजगार सृजन की दिशा में विशेष तौर से लगाया जा सके। आंदोलन गांधी जी के उद्देश्यों के करीब बना रहे ऐसी व्यवस्था करना भी बहुत जरूरी है। और खादी का आंदोलन अपनी लकीरी फकीरी छोड़कर आधुनिकतम जमाने का एक आंदोलन बने ये भी बहुत जरूरी है। आज यही कारण है कि भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी बर्दाश्त करने के बाद भी खादी आंदोलन को गति देने का प्रयास करती रहती है। आज खादी ग्रामोद्योग द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए गणेश सेवा संस्था को मंच बनाकर किया गया विकास भले ही बहुत वृहद ना हो, लेकिन नरवल और उसके आसपास में लगभग 150 से ज्यादा घरों को सहायता प्रदान कर रहा है जिससे वे अपना जीवन यापन कर पा रहे हैं।